यहाँ का दीवारों के कान जिसकी कहावत सुना धीरे बोलो आहिस्ता बोलो बुराई मत करो चुगली नहीं बनती। एक सूखा कुआं ये 15 फीट मोटी के रास्ते हैं। शहद गोंद बेल चूना रक्तदान आज हम दोस्तों फिर से हाजिर एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज हम मौजूद हैं लखनऊ शहर में और आप देख सकते हैं हमारे पीछे इमामबाड़ा है और अभी हम आपको चलकर अंदर से भूल भुलैया बावली और इमामबाड़े का पूरा मंजर दिखाएंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यह है इमामबाड़े का मेन गेट, आप देख सकते हैं और यहीं से एंट्री होती है। दोस्तों तो चलते हैं हम अंदर की तरफ। अंदर जैसे आएंगे आपको खूबसूरत सा लुक देखने को मिलेगा और ये इसका सेकंड गेट और वहाँ पर टिकट काउंटर वगैरह है। तो चलते हैं दोस्तों वहाँ पर भी हम। ये आप देख सकते हैं इसका सेकंड गेट काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों वाकई में इमामबाड़ा बेहद खूबसूरत है और इसके सामने ही एक छोटा सा पार्क बना हुआ है जो बेहद खूबसूरत नज़र आता है। दोस्तों यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं। टिकट काउंटर के जस्ट बगल में कुछ नोटिस वगैरह लिखे हैं जिसमें 5 साल के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है दोस्तों, और ये नोटिस आप पढ़ सकते हैं। और ये है इसका टिकट काउंटर, यहाँ से हम लेते हैं अपना टिकट। तो दोस्तों हमने अपना टिकट करा लिया है जो पड़ा है 50 रुपये में। तो चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ। अंदर आते ही जैसे आप देखेंगे सामने इमामबाड़ा नज़र आता है और इसके राइट साइड में दोस्तों ये मस्जिद है, ये नवाब आसिफुद्दौला ने बनाई जिसका नाम आसिफी मस्जिद है। तो चलते हैं दोस्तों हम अभी इमामबाड़े के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये इमामबाड़ा, और चलते हैं अंदर की तरफ। और अंदर जाने से पहले दोस्तों कुछ नोटिस वगैरह लिखी है कि यहाँ पर आप जूते चप्पल सब बाहर निकाल कर ये अंदर जाएं। तो दोस्तों चलते हैं मंदिर की तरफ। अंदर आते ही आपको कुछ इस तरह का नज़र आता है मंजर, आप देख सकते हैं। और ये है इमामबाड़ा, यहीं पर नवाब आसिफुद्दौला की मकबरा भी मौजूद है दोस्तों। और ये सामने आपको नज़र आ रहा है ये ताजिया शरीफ है जो कि मुहर्रम में इसका जुलूस के साथ निकाला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ का मंजर बेहद खूबसूरत है। तो चलते हैं दोस्तों। यही तो इसमें डिफेक्ट है, भूल जाओ। 15 फीट मोटी दीवारें हैं। अच्छा, ये 15 फीट मोटी दीवार के रास्ते हैं, 2.5 फीट के रास्ते हैं। 300 ये बिल्डिंग अंडरग्राउंड बारे में मैंने आप लोग को बावली में बताया, ठीक है। यहाँ से एक स्टेयर उतरेंगे आगे भाई, आगे अंडरग्राउंड रास्ते बनाए गए थे जिन रास्तों के बारे में हमने आप लोग को बावली में बताया, इधर जा लीजिए वो रास्ते। यहाँ पर एक स्टेप देख के मेरे साथ आ जाइए। यहाँ से उस जमाने में फैजाबाद आगरा दिल्ली तक जाया करते थे, इसी बात एक रास्ता जंगलातों में कोई देश करो सीधा तक बात। ये 1857 के हैदराबाद अंग्रेज के रिटर्न रास्ता क्लोज करके बाउंड्री बांध देता है। अच्छा, गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग जा रहे हैं उधर भूल भुलैया की तरफ। 2.5 फीट के रास्ते हैं आप देख सकते हैं। इधर से बहुत खराब हो चुका है। सड़क से बिल्डिंग नहीं दिखता, ये कैमरे काम करा देखिए। देखिए मेन गेट, देखिए एंट्री एग्जिट सड़क, ये कैमरे काम कर रहा है, देखो बेटा जी। दोस्तों आप देख सकते हैं 2 स्टेप डाउन। दोस्तों ये मसाले लगे हुए हैं, इसमें बता रहे हैं
मसूर की दाल, चने की दाल वगैरह के सब मसाले लगे हुए हैं यहाँ पर। इसमें सीमेंट नहीं यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी हम टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं, ये टॉप फ्लोर का नज़ारा है। यहाँ पर दीवारों के कान, जिसकी कहावत सुना धीरे बोलो आहिस्ता बोलो बुराई मत करो, चुगली नहीं पर दीवारों के भी कान। वो भी लगा दे उधर, नाइस नाइस पर इधर। अरे यार ये भी है सर, मैं वो सामने जाके बोलूंगा आपका क्लियर आवाज आएगा। जाइए 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 आइए, कहानी खत्म। जब हाथों नहीं ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा सा कान चाहिए, थोड़ा सा कान दो ना, कान ले लो। मेरा नाम बोल अरे कुछ बोलो तो। हाँ तो नहीं भाई, अभी जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं यार? आ रही आ रही, वही बोल रहे हैं, वो बोले पीछे आ जाओ बोल रहे हो। अरे पास में फिर तो आएगी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर वो कहावत बिल्कुल सही साबित हुई कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो हमने अपने कानों से सुना कि आवाज़ बिल्कुल दीवार से आ रही थी। ये वाकई काम कर रही है दीवार, यहाँ सामने आकर बोलते हैं तो यहाँ से आवाज़ वहाँ तक जाती है। और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, 15-15 फीट मोटी दीवारों से निकल के आयो धर्म के रास्ते। आप खड़े गैलरी में 15 की जगह पे 3 फीट दीवार रखा, 12 फीट मैंने इस तरह का मटेरियल 4-4 फीट निकाल लिया। इसका मटेरियल सुनिए, शहद, गोंद, बेल, चूना, उड़द की दाल, सिंघाड़े का आटा, सुर्खी, राजिश, गन्ने का रस, गुड़ का शीरा, गुड़ लाल मिट्टी, ये सब पेस्ट बन के लगाया। 300 साल। हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ और आप ये देख सकते हैं, ये है टॉप फ्लोर का नज़ारा। काफ़ी लंबी छत है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और ये छोटे छोटे झरोके बने हुए हैं। आप यहाँ ऊपर का व्यू देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी लंबी छत है, और इन्हीं झरोकों में से आपको अभी लखनऊ दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ से लखनऊ का मंजर कैसा नज़र आता है दोस्तों, और ये आप देख सकते हैं ये क्लॉक टावर है। अभी हम इसे जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं यह है क्लॉक टावर, और इन्हीं झरोकों से आपको बड़े इमामबाड़े का मंजर देखिए बाहर का कैसा नज़र आता है। यह एंट्रेंस गेट और यह है आसपी मस्जिद, काफ़ी खूबसूरत मंजर नज़र आता है दोस्तों। ऊपर से व्यू आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत लुक नज़र आता है दोस्तों। और अभी हम चल रहे हैं दोस्तों नीचे की तरफ, और यहां से जाने वाले हैं दोस्तों बावली की तरफ। वीडियो में बने रहें, आपको दिखाएंगे आगे बावली कैसी है। तो चलते हैं दोस्तों नीचे बावली की तरफ, चल रहे हैं दोस्तों हम बावली की तरफ। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं भूलभुलैया से बाहर की तरफ, और ये बाहर चल रहे हैं बावली की तरफ, और अभी आपको बावली का नज़ारा भी दिखाएंगे। यहाँ पर जो बावली मौजूद है उसी बावली को देखने के लिए ये हमारे साथ गाइड वगैरह चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर रास्ते में दुकानें लगी हुई हैं, तो चलते हैं दोस्तों आपको बावली का मंजर दिखाएंगे। ये बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों, और ये इसका गेट। यहाँ पर भी हम अपना टिकट वगैरह चेक कराकर अंदर की तरफ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दिखाते हैं आपको, पूरी छत का रिफ्लेक्ट पड़ा पानी में, पलट के रिफ्लेक्शन में वो देखा जा रहा है। जब हम लोग 70 फीट के अंदर जाएंगे तो दूसरा कोई यहाँ पे आएगा एंट्री करके, उसको हम लोग देख लेंगे। समझ गए, जल्दी आइए, जल्दी नहीं भैया।
देखो पानी में कलर खींचे देखो जो घर में कलर खींचे तो बैठा व्हाइट वाला दिख रहा है, उधर भी दिख रहा है, दिख रहा है सामने सामने से दिख रहा है। उसने बोला जिसने कपड़े तुमने पहने हैं वैसे। ये कुआं, ये कुआं होता है छोटा, हिंदी बड़ा बॉडी, बॉडी भी बड़ा कुआं, वाटर सप्लाई। इसी कुएं के पानी से टोटल पूरा बिल्डिंग बना था उस जमाने में, और इसको क्लोज कर दिया गया। वाटर सप्लाई इसी पे पानी से उस जमाने पूरा बिल्डिंग बना था, क्लोज कर दिया गया। इसी में मेवाला रसोगी ने खजाने चाबी नक्शे उतार के कूद के जल दिया। अब ये मारने की जगह यहाँ से बिल्डिंग नीचे बिल्डिंग नहीं दिखता, यहाँ से रोड ग्राउंड मशीन तक दिख रहा। यहाँ पर शाहजहाँपुर जो भी अंग्रेज सामने आया मारा गया, अंग्रेज धोखे पर आया, बिल्डिंग को आइए जो लोग चढ़े हैं ये सब रोड की तब के लोग हैं। जब आप इधर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आपने देखा है उससे बैक साइड जब आप घूम के आओगे तो यहाँ पे आ जाओगे। हुसैनाबाद इंटर कॉलेज एक बनाया गया है पीछे जिधर पोस्ट मास्टर होता है, ये रास्ता वो है, सड़क है ये पूरा, ये जमीन के अंदर बनाया गया है। छत